हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पेठोड़ की सब्जी, जो बहुत अच्छी लगती है। बेसन की सब्जी बनकर रेडी होती है। ये देख सकते हैं, मैंने एक कप बेसन ले लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा ही बनाना था। अगर आप चाहो तो ज़्यादा बना सकते हो, तो ज़्यादा बेसन ले सकते हो। मैंने तो ओनली बस एक ही कप बेसन लिया था, इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। लेकिन पेठोड़ बनाने के लिए आपको बेसन को छान के ही बनाना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा अच्छा बन के रेडी होता है। इसमें लम्स वगैरह नहीं पड़ते हैं। इसमें वन पिंच मैंने हींग ऐड कर ली थी। इसमें थोड़ा सा हाफ पिंच मैंने हल्दी ऐड कर लिया है, हाफ टेबल स्पून मैंने लाल मिर्ची ऐड कर ली है, और हाफ टी स्पून मैंने हरा सूखा धनिया ऐड कर लिया है, और थोड़ा सा बिल्कुल हाफ, ये समझ लीजिए हाफ टी स्पून ही मैंने अजवाइन को क्रश करके डाल दिया था, और नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। अब इसको अपन पानी, जितना अपन ने पानी लिया, जितना अपन ने बेसन लिया था उसी के हिसाब से इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने एक कप बेसन लिया था, तो आप इसमें बस ये समझ लीजिए कि 2.25 कप पानी ही इसमें ऐड करना, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। पानी का मेजरमेंट विशेष ध्यान रखिएगा, और जितना पानी मिलाना है बाउल में ही मिला लीजिएगा। बनाते समय पानी नहीं डालिएगा, क्योंकि अगर इसमें आपने बनाते समय पानी डाल दिया ना, बिल्कुल इसमें लम्स पड़ जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छा बन के रेडी नहीं होगा। अब ये मैंने कढ़ाई रख लिया था, कढ़ाई के ऊपर कोई तेल वेल नहीं डाला था, सीधा जो अपना घोल बना के रेडी किया था वो सीधा इसमें ही ऐड कर दिया था। अभी देख सकते हैं आप कितना पतला लग रहा है वो, लेकिन धीरे धीरे बहुत थिक हो जाएगा इसको। लेकिन चलाते रहिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो ये बेसन बहुत जल्दी चिपक जाता है। ये देखिए अब कितना थिक हो चुका है। ये मैं इस पर लगा कर एक प्लेट पे लगा के देखा था, बट ये कि बन के रेडी हुआ है कि नहीं हुआ। इसको लगातार कंटिन्यू इसको चलाना ही पड़ेगा। ये मैंने ये लगाया था, देखिए ये बन के रेडी नहीं हुआ था। एक प्लेट में थोड़ा सा ट्राई किया था, बट ये अभी उसको और अपन को इसे पकाना पड़ेगा, क्योंकि बेसन पक जाता है तो फिर छूट जाता है, नहीं तो वो, क्योंकि इसको पेठोड़ को अपन को अच्छे तरीके से इसका बेसन को पकाना पड़ता है, नहीं तो कच्चा तो ये बन ही नहीं पाता है। थोड़ा भी कच्चा रह जाएगा ना तो ये बनता भी नहीं है, और खाने में तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। अभी देखिए थोड़ा थोड़ा बन चुका है ये, लेकिन अभी ये भी अच्छे से नहीं बना है। अब ये मैंने बेसन पूरा पक के रेडी हो चुका था। मैंने एक थाली ले ली थी जिसको उल्टा करके इस पर पूरा बेसन, मैंने गरम बेसन ही अच्छे से फैला दिया चारों तरफ। आप लेकिन मैंने तो बेसन कम लिया था, अगर आप लो तो थोड़ा ज़्यादा बेसन लेना, और इसका मोटी ले तैयार करना। इसकी ले मोटी बनेगी, पतली ले नहीं बनेगी इसकी। ये पूरा अच्छे तरीके से फैला लिया था, ये अच्छे से बन गया है। ये सूख चुका है, 10-15 मिनट लगते हैं इसको सूखने में। ये अच्छे से सूख चुका है। अब आप चाहो तो कोई सा भी ऐसे आकर दे सकते हो। ये पिज्जा कटर की सहायता से मैं इसे काट रही हूँ, बट मुझे मोटी ले वाला नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पतली वाली ले ही रखी है। ये देखिए कितने अच्छे से छूट रहा है ये। इसको मैंने पूरा छुटा के एक प्लेट में रख लिया था। अब इसकी सब्जी बना के रेडी करते हैं। ये थोड़ा दही ले लिया था, इसी में सारे मसाले ऐड कर दिए थे। अगर मसाले अगर पहले से दही में ऐड नहीं करेंगे तो दही फट जाता है, इसलिए हल्दी धनिया और मिर्ची ये सब मैंने बेसिक मसाले सारे ऐड कर दिए इसमें। सारे जो खास हैं इसके अंदर वो ऐड कर रखा था, इसको अच्छे से खोल लिया था। अब ये टमाटर और हरी मिर्ची काट लिया था, इसको मिक्सर ग्राइंड में
इसको पीस लेंगे, और जो इसका कढ़ाई में थोड़ा बहुत बेसन चिपका पड़ा था उसको वो पूरा अच्छे से बेसन निकाल कर पानी डालकर और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसमें मेरा धनिया, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर इसमें मैंने मिक्स कर दिया। और ये देखिए इसका ये लिक्विड बन के रेडी हो चुका है, जिसके अपन सब्जी बनाएंगे। सब्जी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनती है। ये कढ़ाई रख ली है, इसमें हाफ इंच मैंने हींग ऐड कर दी है, सारे बेसिकली मसाले ऐड कर दिए हैं, थोड़ा कश्मीरी मिर्ची भी ऐड कर दी है, ये धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया। अब जो मिक्सर बना के रखा था वो उसमें डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे सब चीज़ को, मसाला अच्छे से भून लेंगे पूरा। और आप फ्रेंड्स कहाँ से मेरी रेसिपी देखते हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अब ये अपन ने दही इसमें ऐड कर दिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग कहाँ से रेसिपी देख रहे हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ और मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, पसंद है, तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको लाइक पसंद नहीं है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा, और नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। बट मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अब ये सब्जी अच्छे से पूरी खदक चुकी है, ग्रेवी रेडी हो चुकी है, तो लास्ट में इसका जो अपन ने पिटोल बना के रखा था अब वो इसमें ऐड कर देंगे। पहले इसमें नहीं ऐड करते, नहीं तो पूरा वो सही नहीं बनता और बेकार हो जाता। ये देखिए कितना अच्छे से कलर आ गया। लास्ट में इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, रेडी हो चुका है, सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। अब इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे, काटा हुआ हरा धनिया। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके अंदर, जितना अच्छा कलर है उतना अच्छा खाने में भी काफ़ी टेस्टी है और बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है, बनके भी रेडी जल्दी तैयार हो जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्जी। और फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं, आयो आप सब बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स माय वॉचिंग चैनल। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।